हम आ गए हैं म्यूज़ियम की गैलरी में, तो इस गैलरी के अंदर यहाँ पर कुछ उन्होंने स्टैचूज़ वगैरह रखे हुए थे जो मे बी रिलेटेड टू देयर हिस्ट्रीज और समथिंग। मैं थोड़ी देर मैंने इस गैलरी के अंदर टाइम स्पेंड किया और वॉक अराउंड लिया, तो सामने कुछ इंफॉर्मेशन बैनर्स वगैरह लगे हुए थे रिलेटेड टू द म्यूज़ियम, और इधर सामने ही एक एंट्रेंस है जिस एंट्रेंस के थ्रू अंदर जाते हैं, और अंदर जाके वहाँ पर एक रिसेप्शन थी जहाँ से मेरे को टिकट लेनी पड़ी। वो टिकट मेरे को UAE 25 दिरहम में पड़ी है, और यहाँ पर हम टिकट लेके अंदर आ गए। ये जो म्यूज़ियम है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम था, इसलिए 3 फ्लोर थे, थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट। तो ये मैं अभी थर्ड फ्लोर पे गया, तो थर्ड फ्लोर से यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ पर कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे एंशंट टाइम के, कि ह्यूमन टाइम में वो कैसे तरह से स्टोन्स को एज ए नाइफ यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को काटने के लिए। तो ये सभी जितने भी स्टोन्स पड़े हुए हैं ये सारे उससे रिलेटेड ही हैं। ये दीज स्टोन्स वॉज यूज एज ए नाइफ, तो ये कुछ इनकी हिस्ट्री का ये बैनर है, जो भी ये स्टोन से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो सब यहाँ पर लिखी हुई थी। काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम लगा मेरे को, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आप इस म्यूज़ियम में आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें हैं यहाँ पर, जो मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी म्यूज़ियम को विज़िट किया है। ये देखे, यहाँ पर एक खोपड़ी रखी हुई थी, और ये खोपड़ी जो थी इसके नीचे लिखा हुआ था कि ये जिस इंसान की खोपड़ी है वो बंदे को किसी तरह की चोट लगने से उसकी डेथ हुई थी, तो इसकी खोपड़ी के अंदर कुछ कुछ हिस्से में डैमेजेस दिखाए गए थे। और ये इनका वहाँ का जो जिस जगह से ये स्टोन्स वगैरह निकले हैं जहाँ से इन्होंने लिया है, ये केव टाइप की एक जगह थी जहाँ से ये सब लेके आए थे। और यहाँ पर एक मैंने को और चीज़ देखी है, 2000 साल पुरानी चप्पल। इस ये जो चप्पल थी ये भी उसी जगह से, उसी जगह पर जहाँ पर खुदाई की है वहीं से निकला है। ये चप्पल 2000 साल पुरानी थी, अभी पता नहीं कैसे बनाई है। इसकी नीचे यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई थी कि ये चप्पल कैसे, और किसी लेदर टाइप की चीज़ से बनी हुई थी, किसी जानवर की, जानवर का जो चमड़ा होता है उससे बनाया हुआ था। ये स्टोन्स भी सेम वही स्टोन्स हैं जो हमने पहले स्टोन्स देखे हैं, ये इनमें से कुछ खास नहीं था, ये भी सेम ही था। तो ये जो था ये कुछ बोन्स से रिलेटेड कोई चीज़ थी, और ये जो स्टोन थे ये उनसे थोड़ा आगे डेवलप होने के बाद, जैसे किसी जानवर की जो हड्डियाँ होती थी उन हड्डियों से फिर ये चीज़ें आगे बनने लगी। इनको एज ए नाइफ वगैरह यूज़ करते थे वो, तो ये सब ये भी स्टोन्स जो हैं, और ये जो नाइफ वगैरह बनाई हुई है और सामने इनकी पिक्चर लगी हुई है, ये सब मोर देन 2000 ईयर्स पुराना है। ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसकी हिस्ट्री थी। मैंने जितनी भी चीज़ें थी उन सभी को कवर करने की कोशिश की है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव बीन कवर्ड। यहाँ पर जितनी भी इसकी हिस्ट्री है, ये जो भी चीज़ यहाँ रखी हुई है ये कहाँ से मिली है और ये कितने साल पुरानी है, वो सारा कुछ। और इस सेक्शन में सिर्फ एक तो चप्पल पड़ी हुई थी और कुछ वो रखी हुई थी अपना हड्डियाँ वगैरह या जो उनके औजार्स वगैरह जो वो यूज़ करते थे। और इनमें कुछ फ़ोटोज़ भी ऐसी हैं जिसमें उन्होंने दिखाया भी हुआ है कि ये जो औज़ार है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते थे। ये देखो यहाँ पर भी ये जो ये जितने भी ये औज़ार बनाए हुए हैं ये सारे एज ए वीपन यूज़ करते थे वो, कुछ नाइफ के लिए, कुछ हंटिंग के लिए, इस टाइप की चीज़ें हैं ये। और ये सब की सब मोस्टली जो थी वो कुछ पत्थर से बनी हुई थी और कुछ किसी जानवरों की हड्डियों से बनाया हुआ था उन्होंने, और ये सब का सब 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कुछ तो वहाँ पर मुझे ऐसी भी चीज़ें मिली जो 10,000 साल पुरानी है, और ये आर्मेनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। जैसे जैसे देखो इसने भी वो जो चप्पल जो आपको दिखाई थी वो चप्पल उस लेडी ने पहनी हुई थी। ये मटका था,
जैसे ये मुझे कुछ खास पुराना तो नहीं लगा मेरे को, जब मैं सामने इसको देख रहा था तो ये मुझे ऐसा कुछ नहीं इसमें लगा कि ये बहुत पुराना है। ये वैसे ये सब चीज़ें तो हमने देखी हुई हैं, ये सब चीज़ें इंडिया के अंदर तो ऐसी चीज़ें मिलना आम सी चीज़ है। ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या बनाया हुआ है। कुछ तो यहाँ पर कुछ पत्थर थे जिनके ऊपर, ये जो सामने पत्थर पड़े हैं ना उनके ऊपर ये ड्राइंग बनी हुई है, तो अब इसका इस सिंबल का क्या मतलब है वो मुझे नहीं पता, बट मुझे जितना भी हो सका मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पर बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, कुछ चीज़ों को देख के तो आदमी को डर लगता है कि वहाँ पर, जैसे एक वहाँ पर वो घोड़ा गाड़ी टाइप चीज़ थी जिसके अंदर एक डेड बॉडी पड़ी है, पड़ी पड़ी उसको जो है वो डिस्पोज हो गई और उसके बोन्स वैसे के वैसे उसमें पड़े हुए थे, तो वो भी वहाँ पर उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो वो भी आगे की, आगे जब जैसे वीडियो आगे दिखेगा वो, और ये सब चीज़ें जो थी, ये सब बर्तन वगैरह उनके कैसे वो खाना खाते थे, किस टाइप के बर्तन यूज़ करते थे, मटके वगैरह, चूल्हा, ये सब चीज़ें हैं। और ये सब की सब जो है ये बहुत हजारों साल पुरानी है। ये देखिए ये सामने इनका चूल्हा बना है, ये जैसे अपने यहाँ पर होते हैं ना तंदूर टाइप की चीज़, उस टाइप की चीज़ बनाई हुई है। इसमें वो फायर वगैरह कुछ डालते थे कैसे करते होंगे, और इसके ऊपर ये बर्तन को रखा जाता था। वो बर्तन की शेप्स देखो, फिर ये वही आ गया, वो जो मैंने आपको पहले पे पत्थर के कुछ औजार बने हुए हैं और कुछ हड्डियों के औजार बने हुए हैं जो उनके सर्वाइवल में काम आते थे। अब ये उससे आगे, अब इसमें कुछ औजार जैसे पहले पत्थर से करते थे, फिर पत्थर के बाद वो थोड़ा कांच के वो यूज़ होने लग पड़े, फिर उसके बाद इन्होंने उनको जैसे वीपन की शेप, इंडिया में जैसे गड़ासी वगैरह इस टाइप की चीज़ों की शेप बनी हुई थी। तो धीरे धीरे ये बंदे जो हैं डिवेल्प होते गए, तो वो 0 to A to Z तक पूरा उन्होंने दिखाया हुआ है उसके अंदर कि कैसे कैसे ये इनकी डिवेलपमेंट हुई है जो ह्यूमन है ना। ये सब देखो, अब ये आयरन के आ गए, ये एक आयरन तो नहीं बोल सकता, ये अलग ही किस्म का मेटल था। ये वही थर्ड फ्लोर पे ही है सब कुछ, ये सारा का सारा थर्ड फ्लोर का ही है। ये सब उनके ज्वेलरीज टाइप की चीज़ें हैं, स्टोन्स, ये सब लेडीज़ की ज्वेलरीज हैं। ये उस टाइम पे 2000 साल, 5000 साल पहले जो लोग लेडीज़ होती थी वो किस टाइप की ज्वेलरीज वगैरह पहनते थे, तो ये सारा वही उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर उसकी लेडीज़ की फ़ोटो भी लगी हुई थी और उसमें दिखाया गया था कि हाँ जो लेडीज़ होती थी वो किस टाइप से इन ज्वेलरीज़ को यूज़ करते थे। तो ये नाइप्स वगैरह हैं जो भी वो शिकार के लिए यूज़ करते रहे होंगे। और भी यहाँ पर बहुत कुछ है, कुछ स्टोन्स पड़े हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये पत्थर मुझे समझ नहीं आया ये पत्थर क्या है, इस पत्थर को आप देखिएगा और जो भी अर्मेनिया से देख रहा होगा मुझे बताना कि ये पत्थर क्या है। ये देखो, ये जो मैं आपको बोल रहा था ना ये वही चीज़ है। इस ये आ गया सेकंड फ्लोर, अभी मैं थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आ गया। थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आने के बाद वहाँ पर मुझे ये सब मिला। ये देखो ये दिख रहा है, ये सेम चीज़ इधर पड़ी हुई है, ये भी वहीं से खुदाई में कहीं से मिला है। ये देखो उस टाइम पे इस तरह के ये घोड़े गाड़ी, हॉलीवुड की मूवीज़ में ना इस टाइप की चीज़ें दिखाई हुई हैं। मैंने कोई तो मूवी देखी थी जिसके अंदर ना इस टाइप का एक वो इसको क्या बोलेंगे, टांगा रेड़ा जो भी बोल लो, घोड़ा गाड़ी, और ये जो सामने पड़ा हुआ है ना इसके अंदर देखोगे आप, इसके अंदर आपको एक डेड बॉडी मिलेगी, एक कंकाल मिलेगा। ये एज़ इट इज़ ऐसे ही दफन हुआ था, तो जब इन्होंने खुदाई की, खुदाई करने के बाद जब उसको निकाला ना तो इसके अंदर एज़ इट इज़ कंकाल एक पड़ा हुआ था, और वो वैसे ही, और इवन जानवर भी। ये देखो जो भी इसके आगे बांधा रहा होगा, बैल, गाय, कुछ भी, भैंस, उसका एज़ इट इज़ स्कल ऐसे ही पड़ा हुआ था, और उन्होंने जैसे उसको निकाला है एज़ इट इज़ वैसे ही ले आके यहाँ पर रख दिया है। अभी आप देखोगे इसके अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ है, बड़ा अजीब सा लग रहा था बट, और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये रियल कंकाल है। इसको अगर आप देखोगे तो देखो ये पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी पड़ी हुई है। अब ये कैसे वहाँ पर उसको वो पड़ा पड़ा मर गया क्या हुआ जो भी था, बट ये एज इट इज़ ऐसे ही था।
ये भाई देखो, ये मुझे देख के बड़ा अजीब सा लगा। ये पत्थर क्या है, मुझे तो समझ नहीं आया ये क्या है। आप देखो, अगर आपको कुछ दिखता है इसमें तो बताओ मुझे। ये उनके मटके वगैरह अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप के, वही सब था। ये उन बर्तनों की हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये एक स्टैचू है, ये भी वहीं से मिला हुआ है उनकी खुदाई से। और ये जहाँ जहाँ पर ये सामान रखा हुआ है ना, वहाँ पर उन जगह की फ़ोटोज़ भी रखी लगाई हुई है कि ये जो सामान है ये कहाँ से मिला, कौन सी जगह से मिला। ये देखो, ये फ़ोटो है, इस जगह पे जो खुदाई हुई है वहाँ से ये सब सामान मिला है। तो यहाँ पर इस जगह के ऊपर कभी ना कभी हिस्ट्री में कोई ना कोई सिविलाइजेशन रह रही थी। ये देखो, ये भी एक पत्थर है, ये भी एक तरह का स्टैचू टाइप का स्ट्रक्चर ही है, किसी टाइम पे यूज़ होता रहा। मोस्टली चीज़ें तो समझ नहीं आती हैं कि ये क्या है। और ऊपर से इनके वहाँ पर जब आप किसी से बात करते हो या ऊपर किसी से पूछेंगे ना, तो भी उनको नहीं पता लगता, क्योंकि ये अर्मेनिया में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ के लोग जो हैं इनको इंग्लिश नहीं आती। बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि ये भी किसी टाइम पर सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। तो सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने की वजह से यहाँ पर ये सोवियत कंट्रीज जितनी भी हैं, यहाँ पर जो रशियन लैंग्वेज है वो मोस्टली जगह पर बोली जाती है। ये एक जगह का मॉडल है, अब ये मुझे नहीं मालूम किस जगह का है, किसी को मालूम हो तो बताओ। और ये सब भी वही इनके जो भी सामान रहा होगा, ये जो जो वॉरियर्स होते थे उनके 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 कैसे कैसे उनके वो होते थे शील्ड्स वगैरह ना, वो हेलमेट है, ये सामने शील्ड है, ये तो समझ आ रहा है शील्ड है, वो कैप है, और कुछ हाथ में पहनने वाला है, वो सब बर्तन है। ये तो मैंने आपको पहले दिखाया, ये वो सिमिलर है। ये कुछ कुछ पत्थर यहाँ पर ऐसे भी हैं, स्टोन्स, जिनके ऊपर कुछ तो लिखा हुआ है। अब वो कौन सी लैंग्वेज है ये मुझे नहीं मालूम उसमें क्या है। ये टेंपल की वीडियो आपने देखी होगी, मैंने आपको दिखाई है मेरे पिछले ब्लॉग में। मैं इस टेंपल में गया था जहाँ पर मैंने अर्मेनियन सोल्जर्स की वहाँ जहाँ पर मकबरा है या जो भी है कब्र वगैरह, वहाँ भी गया था मैंने। मेमोरियल बना हुआ है, सूर्य टेम्पल बोलते हैं इसको, सूर्य टेम्पल तो नहीं बोलते, बट अर्मेनिया में 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना टेम्पल था वो। और उस टेम्पल में सूर्य सन सन टेम्पल वो बोलते हैं, तो वहाँ पर किसी टाइम पे सूरज की पूजा की जाती थी। तो उस वीडियो में आपको मैंने पूरा टेम्पल दिखाया हुआ है। अब ये क्या है ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि क्या बना के रखा हुआ है। ये तो स्टैचू है, ये बहुत बड़ा, ये पता नहीं क्या है। और ये कुछ तो एनिमल्स, भालू टाइप की चीज़ें हैं, उनके स्टैचूज टाइप हैं, ये सब भी वहीं पर खुदाई में मिले हैं। मैंने मोस्टली चीज़ें वहाँ पढ़ी थी, बट इतना टाइम नहीं था कि अब मैं एक एक चीज़ को पढ़ने बैठूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने मोस्टली चीज़ों को पहले रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसके बाद में वॉइस ओवर करके उसके ऊपर रिकॉर्ड किया मैंने। ये भी एक स्टोन ही है यहाँ पर। यहाँ पर एक स्टोन ऐसा था जिसके ऊपर त्रिशूल बना हुआ था, तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, तो उसने मुझे बताया कि ये वहीं से मिला है। और ये जो जगह है ये किसी टेंपल का है। अब यहाँ से क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो खुदाई में सामान मिला, यहाँ से इनकी क्रिश्चियनिटी के प्रूफ मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो था ये, अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। अब फर्स्ट फ्लोर पे ये सब है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, सारे इनके प्रूफ, स्टोन, चर्चेज वगैरह। तो ये सब अब जो है ये 2000 ईयर्स बाद है, मतलब 2000 ईयर्स के पहले की चीज़ें हैं। मतलब इसमें अभी आपको डेट्स वगैरह मिलेंगी। और ये जो है ये कारपेट्स वगैरह का एक सेक्शन था वहाँ पर, और ये कारपेट्स भी जो हैं इनके बहुत, ये 1000 साल, 500 साल, 600 साल ऐसे पुराने कारपेट्स हैं। और दीज आर आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर हिस्ट्रीज़, और म्यूज़ियम का एक हिस्सा है ये भी, कि किस तरह से सोवियत यूनियन में ये लोग, USSR का जब ये हिस्सा थे, तो ये किस टाइप के इनके कारपेट्स वगैरह कैसे होते थे। अच्छा था। बस इस अर्मेनियन, ये यहाँ के कुछ क्वाइंस हैं, तो इनकी जब करेंसी स्टार्ट हुई तो ये किस टाइप की करेंसी थी, कैसे कैसे क्वाइंस इनके डेवलप हुए हैं, तो यहाँ पर इनकी क्वाइंस की कलेक्शंस पड़ी हुई है।
कि ये कैसे क्वाइंस यूज़ करते थे। आज तो अर्मेनिया में दिरहाम चलते हैं, बट इसमें बताया गया है कि सिंस वन टू टिल अपना क्या बोलते हैं ये अर्मेनियन दिरहाम तक इनकी जो जर्नी है वो कैसी है वो उसमें दिखाया गया है। और ये बाहर की फ़ोटोज़ है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो एक सामने कुछ इनकी बिल्डिंग है जिसके ऊपर बाहर जो मैंने पहले वीडियो दिखाई थी जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, कुछ इनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग है। मुझे एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है वो क्या है, बट उनकी कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है क्योंकि उस बिल्डिंग के बाहर बहुत पुलिस 24/7 खड़ी रहती थी मैं जब भी जाता था। यहाँ पर कुछ इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड सीनरीज वगैरह लगाई हुई थी। और ये सब कुछ इनके जो चर्चेज वगैरह हैं उनके मॉडल्स पड़े हुए हैं। सभी इनके सोल्जर्स बंकर्स वगैरह बनाए हुए हैं, दिखाया गया है कि ये कैसे लड़ते थे, कैसे इनके वो बना बंकर्स वगैरह बने होते थे, तो वो सब दिखाने की कोशिश की है इन्होंने। म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। इसके लिए आपको, अगर आप प्रॉपर इसको घूमते हो, तो इसके लिए आपके पास एटलीस्ट 3 3 घंटे, 2 से 3 घंटे तो चाहिए अगर आप आराम से तसल्ली से देखना चाहते हैं। और यहाँ पर भी एक इन्होंने एलईडी लगाई थी और उसके अंदर कुछ कुछ जगह के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको दिखाया गया है, एक 3D एनिमेशन बना के उसमें वो सब दिखाई गई थी। तो इसे भी इंजॉय करो।